मार्च 2019 में कोरोना की वबा के दौरान लाहौर से होम डिलीवरी सर्विस का आगाज करने वाली कंपनी एयरलिफ्ट ने इब्तदाई कामयाबियों के बाद नुकसान में जाने के बायस पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एयरलिफ्ट इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला और सियालकोट में सर्विसेज फराहम कर रही है। बाखबर ज़राए के मुताबिक एयरलिफ्ट की सर्विस पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर बंद हो रही है। एयरलिफ्ट इब्तदाई तौर पर एक बस सर्विस थी जो बाद हजार एक डिलीवरी सर्विस बन गई, जिसने गुज़िश्ता साल मकामी सतह पर सबसे ज्यादा 8.5 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए थे, जिस बिना पर इसे एक कामयाब कंपनी करार दिया जा रहा था। ताहम एयरलिफ्ट ने माली नुकसान के बायस फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, हैदराबाद और पिशावर जैसे शहरों में अपनी सर्विस बंद कर दी है और तनख्वाहों का बोझ कम करने के लिए अपने तकरीबन एक तिहाई मुलाजमीन को फारिग भी कर दिया है। बताया गया है कि अगले चंद महीनों में एयरलिफ्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी अपने ऑपरेशन खत्म कर देगी। डेटा पोर्टल क्रंच बेस के मुताबिक एयरलिफ्ट ने अपने हालिया सरमायाकारों फ्यूचर पॉजिटिव और मूविंग कैपिटल के साथ 6 राउंड्स में कुल 10.92 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए। पाकिस्तान में इकोसिस्टम गुज़िश्ता चंद माह से बुरान का शिकार है, जिसके सबब कई बड़ी कंपनियों ने अपने सर्विस मुअत्तल या महदूद करने का ऐलान किया है। मारूफ कैब सर्विस करीम ने भी हाल ही में बदलते हुए मुआशी तनाजुर में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को मुअत्तल कर दिया है। ऑनलाइन बस सर्विस सेवल ने भी गुज़िश्ता माह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी आलमी कसाद बाजारी के सबब अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी थी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।